ये कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर लेते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 नहीं मानेंगे। इनको डर नहीं लगता है, इनको पता है कि हम इस्लाम मतलब इस्लाम मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू अपने आप को इनको डर लगता तो ये हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं अपनी बहू बेटियों से। इनको डर लगता तो मुसलमान लड़कियां तलाक के नाम पर बाजार में निकाली जाती बेइज्जत करके। इन मुल्लाओं को अगर डर लगता तो खुद हलाला कर लेते, सेक्सुअल डिजायर पूरा करके मचा ले और जितना भी लुंगी खोल के नाच ले। होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। जिस तरह से ट्रिपल तलाक के लिए एक बेंचमार्क जजमेंट आया था, जिस तरह से मेरा मैटर पॉलीगेमी और हलाला को बंद करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर है और उसको बजावते बगौर सुना जा रहा है, और जो सर्कमस्टांसेस सिनेरियो इंसिडेंट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसी पर वर्डिक्ट आएगा, उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। अगर दी है सरासरी इन लोगों का हटगर्मी है। और मैं ये भी बिल्कुल एडिशन करना चाहूंगी अंबर, कि ये जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने आज तक कभी भी मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में कुछ दिनों जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से अपनी राय को तैयार किया गया और लॉ कमीशन को भेजने के लिए, जिसमें उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि मुसलमान को ऐसा कोई भी कानून मंजूर नहीं है जो इस्लाम से जिसका टकराव होता हो। और अभी इसी बवाल के बीच अब उसमें कूदा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक की और उस बैठक में उन्होंने ये एक राय बनाई और सभी मुसलमानों से देश के ये अपील की है कि सब लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करें। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जो मुसलमानों के अधिकारों के लिए अपने आप को काम करने के लिए बताते हैं, उनकी तरफ से इस तरह की राय? सरासरी गुंडागर्दी है, सरासरी इन लोगों का हटगर्मी है। और मैं ये भी बिल्कुल एडिशन करना चाहूंगी अंबर, कि ये जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने आज तक कभी भी मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में कोई भी काम नहीं किया है। आप जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को, इस पूरे हिंदुस्तान के ऑर्गेनाइजेशन को उठा करके देखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में लीगल थप्पड़ खाते हैं, ये लोअर कोर्ट में लीगल थप्पड़ खाते हैं, ये स्टेट वाइज हाई कोर्ट में लीगल थप्पड़ खाते हैं, क्योंकि तथ्य का आधार जो होता है या प्रूफ जो होता है इनके पास होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई 10 साल 11 साल की बच्ची का पीरियड्स हो गया है तो उससे उससे शादी हो सकती है, जबकि कानून कहता है कि ये पॉक्सो एक्ट में आता है। चार शादियां ये धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन यहीं पर जब हिंदू मर्द एक एक्स्ट्रा शादी कर लेता है तो भाई 449 पर इन लोगों को 7 साल की पनिशमेंट हो जाती है। जिहाद के नाम पर ना जाने कितने मुस्लिम यंगस्टर्स को इन लोगों ने मिसयूज किया है, मिसगाइड किया है। और एक जो इन लोगों का प्रोपगंडा है कि तुम काफिरों को तुम चेंज करोगे, धर्म परिवर्तन कराओगे तो तुमको जन्नत मिलेगा और जन्नत में 72 हूर मिलेगी, इन चीजों को ये सिर्फ माइक ले करके जाहिल और इलिटरेट लोगों की भीड़ लगा करके उन लोगों की सिंपैथी गेन कर सकते हैं, रोड पर निकल करके वाहवाही और हाहाकार मचा सकते हैं। पर जब ये मामला एट लास्ट तो एट द एंड तो कोर्ट के अंदर जाएगा, तब इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। देखिए, हमें याद होगा अमर, आपको भी याद है और मुझे भी याद है कि JNU में एक स्लोगन हुआ करता था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये जो एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स और स्लोगन के अगेंस्ट में जो कानूनी कार्रवाई हुई थी, वहां पर भी इन्होंने केस को हारा था, वहां पर भी हारा था। अभी एक एक दो एग्जांपल्स मैं और देना चाहूंगी ताकि व्यूअर्स को सही से समझ में आए। अभी मैं कैलकटा हाई कोर्ट में, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है कैलकटा खिलाफत कमेटी, जिसने आज तक डेकेड से वो चला आ रहा है, जिसने आज तक कभी भी मुस्लिम खिलाफत कमेटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, आज तक कभी भी इसने किसी भी मुस्लिम पक्ष में कोई काम नहीं किया है। एजुकेशन पे कोई काम नहीं किया,
वुमेन्स राइट पर कोई काम नहीं किया, रेप जो विक्टिमाइज जो मुस्लिम बच्चियां होती हैं उस पर कोई काम नहीं किया, ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए कोई काम नहीं किया, हलाला के नाम पर जो एक आरोपी को वर्ड हलाला दे करके प्रोस्टिट्यूशन का धंधा कराया जाता है उसके अगेंस्ट में कोई काम नहीं किया, डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी के चक्कर में जिन जिन मुसलमान लड़कियों को की जिंदगी बर्बाद की जा रही है उस पर कोई काम नहीं किया, किसी भी सोसाइटी अवेयरनेस पर कोई भी काम नहीं किया है। इसका काम क्या होता है, ईद की नमाज में एक बड़ा सा आलीशान 20 लाख 25 लाख रुपए खर्च करके बड़ा सा मंच बनाना और पॉलिटिकल प्रोवोकेटिव स्पीच करना ईद की नमाज के वक्त। तो ये ऐसे ऐसे जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इनकी आमदनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इनका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा, क्योंकि इनकी इनके बच्चों की लग्जेरियस लाइफ बंद हो जाएगी, और इनका इनका जो एक ऐशो इशरत का जो एक इनको ये हो गया है, यूज टू हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। खटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एडुकेटेड होना पड़ेगा, तब जाकर के नौकरी मिलेगी। तो ये सारी चीजों को इन लोगों ने मद्देनजर में रखा है। ये हम लोगों को समझने की बहुत जरूरत है कि इनकी मीटिंग जो है ना इसलिए नहीं हुई है कि इस्लाम खतरे में, इनकी मीटिंग ये हुई है कि इनका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए इन्होंने ये प्रोपेगेंडा नचाया है और मचाया है कि भाई हम सबको एक होना पड़ेगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना पड़ेगा। भाई जो चीज 23 नवंबर 1948 में ही कह दिया गया है, संविधान में बार बार कह दिया गया है, संविधान के आर्टिकल 44 में कह दिया गया है, तो फिर उसको नए तरीके से एक प्रोपेगेंडा बनाने की तो जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और ये जो देवबंद समाज के जो बड़े से ठेकेदार जो मौलाना बैठते हैं, उनका बहुत बड़ा खूबसूरत नाम है भाई, मौलाना अरशद मदनी, इनका नाम इतना खूबसूरत है ना कि मैं भूल जाती हूँ, मेरे को याद नहीं रहता है। तो मौलाना अरशद मदनी तो भाई बहुत ठरकबाज बात भी कहते हैं ना कि औरत 45 साल में उसका पीरियड, इसलिए मर्दों को फिर से शादी हो जाती औरत, क्योंकि क्योंकि मर्द जो है वो मुसलमान मर्द वो 80-85 साल तक वो जवान रहते हैं। तो आप सोचो कि इनके ठरक पे तो ताला लगने वाला है ना, इनका जो ये वल्गैरिटी है, इनकी जो ये गंध है, इस पे तो ताला लगने वाला है ना, इसलिए इन लोगों को दर्द एहसास हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल बात नंबर ये है कि ये जो इस्लामिक और शरिया लॉ पे जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, ये इजी सोर्स ऑफ इनकम है। अब जब ये बंद होगा और एक ही संविधान और एक ही कानून के हिसाब से सारी चीजें देखी जाएंगी, तो अब तो इन्होंने पढ़ना पड़ेगा, इन्होंने नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, इन्होंने मेहनत करना पड़ेगा, सुबह उठ करके काम पे जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों से घबरा करके हाय हाय मेरा इस्लाम खतरे में है, हाय हाय मेरा इस्लाम खतरे में है, ये कर रहे हैं। और इस चालबाजी में इनके इनके जाल में फंसेगा कौन, जो जाहिल और पसमानदा मुसलमान है कि नहीं मौलवी साहब आए हैं तो सर पे दुपट्टा रख देना है, मौलवी साहब ने गोबर का अगरबत्ती जो है वो जला दिया है तो अब तो भूत भाग ही जाएगा, मौलवी साहब ने मिठाई और पानी फूंक दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है तो अब तो मेरा बच्चा ठीक हो ही जाएगा। तो दिस इज द रीजन कि ये डरे हुए हैं, ये जो फातिया पढ़ करके 501 रुपया लेते हैं और फू 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 करते हैं, कार्बन मुंह का बदबू देते हैं, ये सारे छोटे छोटे जो पैसे हैं वो भी तो बंद हो जाएंगे। एक बड़ा एक बार बताइए, 1985 जब शाहबानो के अगेंस्ट ये लोग उतरे थे लाखों की संख्या में इंडिया गेट पर, उस वक्त तो इंटरनेट का दौर नहीं था, कुछ भी डिजिटाइजेशन नहीं था, लोगों के पास इंफॉर्मेशन का ऐसा कोई सोर्स नहीं था। आज के दौर में जब सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है, आपको क्या लगता है कि मुसलमान आज भी इनकी बातों में आकर यूसीसी का विरोध करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शरीयत में तो तब्दीली नहीं हो सकती और शरीयत में मुदाखलत है दीन में और इस्लाम के नाम पर फिर से लोगों को भड़काने की साजिश है। आपको क्या लगता है जो इस कोशिश की जा रही है इन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कामयाब हो पाएंगे? देखिए 1984 में जब ट्रिपल तलाक का पहला पिटीशन फाइल हुआ था और 2016 में मेरा पिटीशन फाइल हुआ था, 17 में वर्डिक्ट बहुत खूबसूरत वर्डिक्ट आया था, तब भी इनका ये षड्यंत्र काम नहीं आया और कोर्ट ने अपने अपने तथ्य के आधार पर, प्रूफ के आधार पर एक बेंचमार्क वक्त लगा वर्डिक्ट लाया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मॉडिफिकेशन तो इस्लाम भी कह रहा है,
मॉडिफिकेशन इस्लाम भी कह रहा है, सबसे पहले तो कुरान आया नहीं, पर एज जबूर इंजिल बाइबल तब कुरान आया, उसके बाद फिर मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि सूरह हूद में आयत 114 में सिर्फ दो ही बार प्रेयर के बारे में बताया गया था, रेसाइटेशन सुबह और रात, मतलब सूरज उगते वक्त और सूरज डूबते वक्त। ये तो प्रॉफिट मोहम्मद से नमाज आया, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर के नमाज के बारे में बताए, तो मतलब इससे पहले जो प्रॉफिट गुजरे हैं वो सब जहन्नुम में हैं, उनको 72 हूर नहीं मिली, उनको वर्जन 72 हूर का फायदा नहीं मिला। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मॉडिफिकेशन, कुरान तो बोला है, तो आज अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और मैं फिर से ये बात व्यूअर्स को बोलूंगी अंबर आपके चैनल से, क्योंकि बहुत क्लासी लोग आपके आपके चैनल को देखते हैं, आपके आपके व्यूज को समझते हैं, बहुत एडुकेटेड लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ये जितना भी ये खुराफात मचा लें और जितना भी लुंगी खोल के नाच लें, होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। जिस तरह से ट्रिपल तलाक के लिए एक बेंचमार्क जजमेंट आया था, जिस तरह से मेरा मैटर पॉलीगेमी और हलाला को बंद करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर है और उसको बजावते बगौर सुना जा रहा है, और जो सर्कमस्टांसेस, सिनेरियो, इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसी पर वर्डिक्ट आएगा, उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। ये जितना भगदड़ मचा सकते हैं ये मचाएंगे, क्योंकि इनको तो मचाना पड़ेगा ना। ये नहीं मचाएंगे तो जो एक कुरान गवाह है और इतिहास गवाह है कि मुस्लिम महिलाओं को डिप्राइव, इंसल्ट, डिफेम किया गया है। भाई बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को किसने डिफेम किया था उनकी प्रेगनेंसी पर? तो ये तो मुसलमानों ने, मुसलमान कातिल है, मुसलमान का कत्ल हुआ, मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान। कुरान 100 से ऊपर वॉर के बारे में बताता है, कुरान ने कई कई बैटल के बारे में बात किया है। तो यही मौलाना तो कहते हैं ना कि सबसे पुराना इस्लाम है, इस्लाम से पहले तो कोई आया ही नहीं था। तो आपस में ये लड़ लड़ के तो बहुत मरे हैं, औरतों को इन्होंने बहुत डिप्राइव किया है, बहुत डिफेम किया है। तो आज चाहे जो हो जाए, ये जितना भी नंगा नाच नाच लें, पर इन मौलानाओं की का सपना और बादशाहियत का जो ये जो चेयर है, ये अब जाने वाला है भैया, अब कोई नहीं बचा सकता है। अब इन्होंने भी पढ़ना पड़ेगा, इन्होंने भी एडुकेशन लेना पड़ेगा, इन्होंने भी नौकरी के लिए लाइन लगाना पड़ेगा, इन्होंने भी काम करना पड़ेगा। लेकिन नाजिया एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी बात आती है, क्योंकि आप भी इतने समय से इस पे, इस तरह के मुद्दों पे काम करती आई हैं, मैं भी काफ़ी समय से इस पे काम कर रही हूँ, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड की, हमारी पिटीशन भी है पिछले 5 साल से कोर्ट में। सवाल ये है कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो अफवाहें बड़ी तेज़ हो जाती हैं और मुसलमानों को अफवाहों के नाम पर वर्गलाने की कोशिश की जाती है कि सबको फेरे लेने पड़ेंगे, कपड़े सब एक जैसे पहनेंगे और नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, और इस तरह की बड़ी अफवाहें होती हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आज सब कुछ इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, किस तरह से इन अफवाहों को रोका जा सकता है, क्या और माध्यम हो सकते हैं लोगों को अवगत कराने के लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक सिविल कोड है, ना कि रिलीजन के लिए कोई यूनिफॉर्म रिलीजन कोड या फिर यूनिफॉर्म कल्चर कोड, इस तरह का तो कुछ है नहीं कि किसी के कल्चर बदल जाएगा, धर्म बदल जाएगा। देखिए अंबर, मैं और आप और हम जैसी जितनी भी एडुकेटेड महिलाएं हैं, उनका कर्तव्य है अवेयरनेस के लिए, ट्रिपल तलाक के लिए, आप मैं हम जैसे कितनी लड़कियां जो आज भी अवेयर कर रहे हैं। अब आती है बात अफवाह की, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। द केरला स्टोरी का एक क्लिपिंग आया था जिसमें एक लड़की जो है वो बुर्का पहनी हुई थी और कह रही थी मुसलमान लड़कियों को बहुत मारा जा रहा है, तो ये मुसलमान मर्दों ने ही इसको वायरल करवाया था। मैं नाम नहीं लूंगी, मुसलमान मर्दों ने ही इसको वायरल करवाया था कि देखो मुसलमान लड़कियों पे अत्याचार हो रहा था, उसको पूरी कहानी तब पता नहीं थी, और जैसे ही द केरला स्टोरी आई तो मुसलमानों ने सबसे ज्यादा विरोध किया, सबसे ज्यादा विरोध किया पूरे पूरे पूरा फिल्म देख लेने के बाद। मैं आपको उसका प्रूफ भेज सकती हूँ कि किसने उस क्लिपिंग को वायरल करवाया था, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगी। ठीक है, ये जो मुस्लिम जो ये जो एक गुट और जुट जो बैठा हुआ है ना, ये चाहे फेक न्यूज जितना भी वायरल करवाए, मैं फिर से आपको कहूंगी जो पसमानदा और जाहिल मुसलमान है वही इनके सपोर्ट में आकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन कानून अपने आधार पर ही काम करेगा। कानून को इनकी परवाह नहीं है, कानून को इससे कोई लेना देना नहीं है, कानून को सिर्फ इतना देखना है कि सर्कमस्टांसेस और सिनेरियो क्या बोल रहा है। देखिए 1995 में
एक क्रिश्चियन ने एक केस फाइल किया था अडॉप्टेशन को लेकर के, फॉस्टर पेरेंट्स को लेकर के, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई कोई एक ऐसा कॉमन लॉ लाइए जिसमें हम सब चीजें एक तरीके से, कामानो वाले में भी बोला, सरला मुद्गल केस में बोला, कई सारे ऐसे एग्जांपल है जिसमें, तब तो मोदी जी की सरकार नहीं थी, तब तो उन पर इल्जाम लगाना बेकार है। 1984 में जब ट्रिपल तलाक का केस पहला फाइल हुआ था, तब तो मोदी जी की सरकार नहीं थी। तो देखिए, क्वालिफाइड जो मुस्लिम्स हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, इनका अफरा तफरी, इनकी बेचैनी, इनका इनका बर्नौल वाला, इनका जलन, इनका बीटेक वाला खुजली, ये सब सब समझ रहे हैं, इनको समझ आ रहा है। और जितने भी क्वालिफाइड और जितनी भी इलीट क्लास के मुसलमान हैं, वो सब एक तरफ हो गए। देखिए, कोई नहीं गाना गा रहा है, सब पक्ष में बात कर रहे हैं। और पसमानदा मुसलमान तो हमेशा से उनको दबा के रखा गया है ना, हमारा अवेयरनेस किस चीज के लिए है? उन पसमानदा मुसलमानों को अवेयर करने के लिए ही तो हमने ये बीड़ा उठाया है। और आज अगर हमें गालियां पड़ रही हैं, तो भाई कुरान गवाह है कि बीबी मरियम को गालियां पड़ रही हैं। कुरान गवाह है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जब इस्लाम की तबलीग की तो उनके ऊपर सर पे कचरा फेंका जाता था, उनको गालियां दी जाती थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को गालियां दी गई हैं। तो आज अगर हम कोई अच्छा काम करने के लिए बाहर निकले हैं अंबर, तो हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। और एग्जैक्टली जैसे वो छोटी सी क्लिपिंग को वायरल करने वाला खुद पछता गया, उसी तरीके से आज ये वायरल करने वाला खुद आप देखिएगा 2-4 महीने के बाद पछताएगा कि ये हमने क्या कर दिया। क्योंकि अल्टीमेटली जो इस तरीके की अफवाह को वायरल करते हैं, उनकी उनकी जो जिंदगी भर का घर हो जाता है वो जेल की सलाखें ही हो जाती है। और मुझे आपको और हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों पर को ये अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी कि कौन कौन इन चीजों को कर रहा है, ताकि हम क्रिमिनल स्टेप्स ले सके, हम क्रिमिनल लीगल स्टेप्स ले सके, और हम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके इनका परमानेंट घर जो है वो जेल बना सके। बिल्कुल, परमानेंट घर तो ऐसे लोगों का जेल ही है जो देश में अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि अफवाहों से देश में कहीं ना कहीं एक अशांति फैलने का डर होता है और उन्माद किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, तो एक बात और इस पक्ष की तरफ से सुनने के लिए मिलती, वो ये कि ये बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है। हम ये जानते हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहा है, लेकिन संघ का आरएसएस का एजेंडा आर्टिकल 44 को कैसे कह सकते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है? देखिए, आरएसएस एक बहुत ही रेनाउंड और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एज अ फिलेंथ्रोपिस्ट ही हमेशा काम किया है, एज अ विसल ब्लोअर, एज अ सोशल एक्टिविस्ट ही काम किया है। ये मुसलमान के जो धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, जो कुरान में बिल्कुल भी कहा ही नहीं गया है कि धर्म गुरु और धर्म ठेकेदार कोई होगा, तो जब इनका अस्तित्व ही गलत है तो इनकी बातें भी गलत होगी। जब इन्होंने अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ही गलत दिया है, क्योंकि कुरान तो पीर बाबा, मुजाबिर बाबा और धर्म गुरु, लुंगी छाप, चाइनीज मौलाना, ये सब तो बोला ही नहीं है ना, ये तो कहा ही नहीं है कुरान में। तो जब इनका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन गलत है, तो इनकी बातें तो होनी है गलत, तो आरएसएस को इसमें मलाइन करके कोई फायदा ही नहीं है। अब आती है बात कि मुसलमान के जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए, वो जब अपने कौम की औरतों को मलाइन करने से पीछे नहीं हटते, वो जब अपने आरएसएस को तो मलाइन करना ही है, लेकिन ये संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। आप एक संविधान के प्रोविजन को आरएसएस का एजेंडा कैसे बोल सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप ये अवहेलना कर रहे हैं एक बड़े कानून जिसको संसद से पारित किया गया है और जो संविधान सभा से इसको इसके रिकमेंडेशन हुए। तो ये सब बोलना, डर नहीं लगता, खौफ नहीं है कोई संविधान का, कोई भी यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट या कोई नजर ही नहीं आता कि ये तो संघ का एजेंडा है? नहीं अंबर, इनको डर लगता तो ये हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं अपनी बहू बेटियों से। इनको डर लगता तो मुसलमान लड़कियां तलाक के नाम पर बाजार में निकाली जाती बेइज्जत करके। इन मुल्लाओं को अगर डर लगता तो खुद हलाला कर लेते सेक्सुअल डिजायर पूरा करके। इन मुल्लाओं को अगर डर लगता अल्लाह का या संविधान का या कानून का, तो आज मैं और आप इतनी गालियां मुसलमान मर्दों से सोशल साइट पर सुनते, सोशल मीडिया पर, इनबॉक्स में। इन मुल्ला और मौलवियों को और मुसलमान पुरुषों को अगर डर लगता तो 4 बीवी की जगह 4 बच्चे ना अडॉप्ट कर लेते यतीम।
इनको डर नहीं लगता है, इन्होंने बस बोलना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर लेते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 नहीं मानेंगे। इनको डर नहीं लगता है, इनको पता है कि हम इस्लाम मतलब इस्लाम मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू। अपने आप को कन्वीनियंस चाहिए क्रिमिनल कोड में कि हमारे चोरी में हाथ नहीं कटने चाहिए, अगर आप जिना करें तो संसारी नहीं होनी चाहिए, औरतों को रखो आप पर्सनल लॉ में बांध कर, इनको दे दो ट्रिपल तलाक, इनको ना दो गुजारा भत्ता, इनको ना दो खर्चा ढूंढते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढते हैं। सलमान मर्द रेप करेगा, नहीं नहीं हम इंडिया के कानून पे चलेंगे क्योंकि बेल हो जाएगा कन्विक्शन के बाद। सबसे ज्यादा संविधान की बात ही करते हैं, ओवैसी जी सब जो अभी कहते हैं ना कि ये हमारे आर्टिकल 25, 29 के अगेंस्ट है, सबसे ज्यादा आर्टिकल 25 ट्रिपल तलाक के वक्त भी यही करते थे, आज भी वो यही कर रहे हैं, और संविधान की भी सबसे ज्यादा बात ये करते हैं। तो संविधान उनके लिए है, महिलाओं के लिए संविधान इसका नहीं है, ना तो आर्टिकल 44 लागू होता है मुस्लिम महिलाओं के लिए ना 14। तो अंबर अवेसी की मीटिंग्स में कौन रहता है, महिलाएं देखी है आपने पॉलिटिकल मीटिंग में? सबके सब मर्द रहते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं, ऐसे ऐसे तो करते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं और ऐसे ऐसे करते रहते हैं। और रही बात अवेसी की, तो अवेसी का तो पांच उंगली घी में और सर कड़ाई में है, दो दो बीवी है उसके पास। अच्छा वाह, उसके पास तो दो दो बीवी है, मुझे उसके पास दो बीवी है, उसका तो पांच उंगली घी में और सर कड़ाई में है, उसको क्या प्रॉब्लम है? और उसने अपने बेटे की जब एंगेजमेंट किया था, क्या आलिशान एंगेजमेंट किया था? हाँ। अरे बाप रे बाप, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके एंगेजमेंट किया था, क्या नहीं था उस एंगेजमेंट में? तो जो जो इंसान इतनी लग्जेरियस लाइफ जी रहा है, जिसके घर के अंदर का माहौल एकदम फॉरेनर जैसा है, मॉडर्न माहौल है, आपने कभी अवेसी के बाल बच्चों को सामने आते हुए देखा है? नहीं देखेंगे। आपने इमाम बुखारी की बहू को कभी सामने आते हुए देखा है? क्योंकि उसकी बहू क्रिश्चियन है। अच्छा तो ये जो इतना धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं, बुर्का हिजाब अबाया, औरतों को ऐसे रहना चाहिए वैसे रहना चाहिए, इनके घर के अंदर क्रिश्चियन और हिंदू बहुएं हैं। ये अच्छा काम घर से स्टार्ट किए हैं, सिर्फ तलाक घर से स्टार्ट नहीं करते हैं, ये तलाक बाहर के लोगों को सिखाते हैं।